Equality in Indian democracy. So in the last video, we discussed about recognizing the dignity, and we came to know that we should respect each and every person. We should not hurt their dignity, and everyone is equal. Everyone is like us, and we should respect them. So now in this video, we are going to talk about the equality in Indian democracy. Like, what is the situation of equality in India? The Indian Constitution recognizes every person as equal. तो हमारे भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को इक्वल मानता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग जो है वो एक समान है. इसका मतलब कि हमारे देश में चाहे कोई भी है, चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी रिलीजन से आता हो, किसी भी ट्राइब का हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं, एक समान हैं. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे कहता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. मतलब समझ रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो कह रहा है कि भाई मेरे सामने सभी लोग इक्वल हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स एवरीवन एज इक्वल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी तरह की जो इनइक्वालिटी है वो फिर भी एग्जिस्ट करेगी, चाहे इकोनॉमिक बेसिस पे कि अमीरी गरीबी के हिसाब से फिर भी एग्जिस्ट करेगी, और चाहे मान लो एजुकेशनल बैकग्राउंड में, मतलब फिर भी किसी ना किसी तरह की जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करेगी. बट फिर भी हम ये जरूर मान सकते हैं कि हमारे इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है कि सभी लोग जो है वो एक समान है, इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसे महत्व दिया जाता है बहुत ज्यादा. ठीक है, अब पहले इतने ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे किसी की समानता को बचाने के लिए. मतलब कि अगर किसी को अनइक्वली तरीके से, किसी को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए इतने ज्यादा लॉज नहीं थे. बट अब धीरे धीरे बहुत सारे लॉज बने हैं जो कि एक पर्सन की इक्वालिटी को इंश्योर करने पर काम करते हैं. बट नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल. तो अब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, पहले नहीं थे. पहले ज्यादा लॉज नहीं थे कि अगर किसी को गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई की जाए, ऐसा नहीं था. बट अब काफी सारे लॉज आ चुके हैं कि लोगों की डिग्निटी को ठेस ना पहुंचाई जाए और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, ये सब का ध्यान रखने के लिए. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इक्वालिटी की बात करता है, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं कि मतलब मेनली किन चीजों पे फोकस किया जाता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं. तो पहली जो चीज है जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि बहुत मायने रखती है, दैट इज कि हर एक जो पर्सन है वो इक्वल बिफोर लॉ है. मतलब कि लॉ के आगे, कानून के आगे सभी इंसान जो है वो एक समान है. इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी इंसान है इंडिया में, कोई भी पर्सन है, वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट और अ पर्सन लाइक कांता हु इज अ डोमेस्टिक वर्कर, दे विल हैव टू ओबे द सेम लॉज. चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो एक कांता जैसा कोई पर्सन है जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, कोई भी इंसान है, उन सभी को, मतलब हर एक पर्सन को सेम लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, सेम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें सेम तरह की जो पनिशमेंट है वो मिल सकती है. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. तो पहला तो ये है कि चाहे कोई भी इंसान है वो लॉ के आगे, कानून के आगे एक समान है. दूसरा ये है कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके धर्म के बेसिस पर, उसके रेस के बेसिस पर कि क्या कलर है, काला है, गोरा है, उसके कास्ट के बेसिस पर कि उसकी जात क्या है, उसका बर्थ किस जगह पे हुआ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, और या फिर उसकी जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसके जेंडर के बेसिस पे, मतलब इन सभी बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. तो दूसरा ये हो गया. थर्ड इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. तीसरा ये है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, मतलब कि जनता के लिए जो चीजें बनाई गई हैं, उन चीजों को यूज करने का, इस्तेमाल करने का हक सभी को है. जैसे कि पार्क्स हो गए, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, जो खेलने के मैदान होते हैं, होटल्स होते हैं, शॉप्स, मार्केट्स, तो जो चीजें पब्लिकली यूज करने की हैं, उन सभी चीजों को कोई भी इंसान यूज कर सकता है. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, और उनको तुम रोक नहीं सकते कि भाई तुम क्योंकि इस कास्ट से आते हो इसलिए हमारा प्ले ग्राउंड यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम.
जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको यूज करने का, इस्तेमाल करने का, उनकी एक्सेस जो है वो सभी लोगों के पास होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। वो वहां पे जा सकते हैं, उन चीजों को यूज कर सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। तो मतलब सभी जो लोग हैं, वो जो भी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स हैं, कुएं हैं जो सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं, सामूहिक रूप से जो कुएं वगैरह बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं। अब रोड तो सबके लिए बनता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो नहीं बना है। अब अगर कोई जैसे ऊंची जाति का कोई आदमी है, अगर वो कहने लगे कि नहीं तुम नीचे जाति के हो, तुम यहाँ पे नहीं चल सकते, तो ये करना गलत होगा। हर एक इंसान को समान रूप से अधिकार है कि वो उस रोड को यूज कर सके, उस पे चल सके। ठीक है, बाथिंग घाट्स की, कहीं पे जो बाथिंग घाट्स बनाए जाते हैं नहाने के लिए, जो घाट वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको भी यूज करने का सभी लोगों को समान रूप से अधिकार है। और चौथा है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, कि जो अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ लोगों के खिलाफ ऐसे माना जाता है कि अगर इनको हम छू देंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, कि वही कि सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है वो ये मानती है कि अगर हम लोअर कास्ट को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को अगर हम छू देंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, कि उनको छूना गलत है। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, ये प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अगर कोई भी इस तरीके से अनटचेबिलिटी करता है, कि अगर कोई कहता है कि हम उसको नहीं छुएंगे, हम पॉल्यूट हो जाएंगे, इस तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जाएगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश हो चुकी है। तो हमारे संविधान में ये जो इक्वालिटी गारंटी की गई है कि भाई सभी लोगों को एक समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, इस इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब हकीकत में लाने के लिए कि सभी लोगों को इक्वल रूप से ट्रीट किया जाए, गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके यूज करती है। ठीक है, तो पहला है लॉज, जो कानून है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके थ्रू गवर्नमेंट आई कोशिश करती है कि सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाए। दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। कि दूसरा, पहला तो हो गया लॉज, कि भी कानून बना दिए गए हैं कि अगर तुम किसी को डिस्क्रिमिनेट करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तुमको पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। की गवर्नमेंट के तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, सभी लोगों को समान रूप से अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनको समान रूप से ट्रीट करने के लिए, तो दूसरा तरीका हो गया वो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जो राइट है, इक्वली ट्रीट होने का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस बारे में तो हमने देख लिया कि भाई पहला जो तरीका है वो है लॉज, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स चला रखे हैं ताकि उन लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके जिन्हें की सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिनको कि अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो उन लोगों को और बेटर पोजीशन पे लाने के लिए, उनकी लाइफ को, उनकी जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं, ये इंश्योर करती हैं कि इन लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले जो कि इन्हें पहले नहीं मिल पाई थी, जिन चीजों से, जिन अपॉर्चुनिटीज से, जिन रिसोर्सेस से ये अभी तक दूर थे, वो अपॉर्चुनिटीज इनको इन स्कीम्स के द्वारा अवेलेबल की जाती हैं, कराई जाती हैं। तो इसी तरीके के प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स में से एक जो है वो है मिड डे मील स्कीम। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मिड डे मील मतलब कि जो दोपहर का खाना जो मिलता है, तो बहुत सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या किया जाता है, मिड डे मील प्रोवाइड की जाती है कि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनको वहां पे खाना दिया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है, कि उनका जो लंच होता है वो उन्हें स्कूल में ही बनाकर प्रोवाइड किया जाता है, खिलाया जाता है। तमिलनाडु ने सबसे पहले ये जो स्कीम थी वो 2001 में लॉन्च की थी, सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील वाली जो स्कीम है वो आई थी। तो जब तमिलनाडु में ये स्कीम आई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप सभी, मतलब कि जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको कहा कि आप भी 6 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम को अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दो। अब इस जो ये जो स्कीम है, मिड डे मील वाली स्कीम, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। अब सबसे पहला तो यही था कि अब खाने की वजह से, क्योंकि अब बच्चों को खाना मिलेगा स्कूल में, इस वजह से बहुत सारे पुअर जो चिल्ड्रन थे, जो गरीब बच्चे थे, वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आने लग गए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने अपना जो नाम है वो स्कूल में लिखवा लिया, एडमिशन ले लिया, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, उनको खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो फिर पेरेंट्स ने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें स्कूल में तो पेट भर खाना मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, तो इस करके उन्होंने क्या किया, अपने अपने बच्चों का नाम जो है वो स्कूल में लिखवा दिया।
तो अब ज्यादा बच्चे स्कूल को अटेंड करने लग गए। अब टीचर्स ये बताते हैं कि पहले क्या होता था कि बच्चे जो है लंच में अपने अपने घर जाते थे खाना खाने के लिए, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो लंच में घर जाते थे और लंच के बाद वापस लौट कर आते ही नहीं थे। तो अब क्योंकि उन्हें जो लंच है उसके लिए घर नहीं जाना पड़ रहा है, अब उनको उनका लंच स्कूल में ही मिल रहा है, तो इस वजह से उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे सुबह भी स्कूल आते हैं और लंच के बाद भी स्कूल आते हैं, क्योंकि स्कूल में ही वो रह रहे हैं, अब उन्हें घर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और पहले क्या होता था, क्योंकि बच्चे जो है वो लंच में स्कूल जाते थे तो उनकी मदर्स को भी इंटरप्ट करना पड़ता था, अपने काम को छोड़ना पड़ता था, और उन्हें भी अपने घर आके बच्चों को खाना पीना देना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था, तो इस वजह से उनकी मदर्स को उनके फादर्स को भी बड़ा ही दिक्कत पड़ती थी काम में। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं क्योंकि वो घर पे ही मतलब स्कूल में ही खा लेंगे, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो मदर्स हैं उनको भी अपना काम छोड़कर नहीं आना पड़ता। इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस में ही इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, इसके और भी बाकी काफी सारे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो देखने मिले हैं। जैसे कि इसकी वजह से जो कास्ट प्रेजुडिस थी कि कास्ट के बेसिस पर जो भेदभाव किया जाता था वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्कूल में तो सभी कास्ट के बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ते हैं, और क्योंकि मिड डे मील स्कीम है उसमें क्या हो रहा है कि सभी बच्चे जो हैं वो साथ में बैठकर एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों के बीच में ये जो कास्ट के बेसिस पर डिफरेंस थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए। और यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या हुआ है कि जो दलित वुमेन है उनको खाने को बनाने की जो ड्यूटी है वो दी गई है, कि उनको खाना बनाने के लिए दलित वुमेन्स को हायर किया गया। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। अब मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो बच्चे थे उनको पहले भूखा रहना पड़ता था कि उनके घर में प्रॉपर खाना नहीं है, अगर वो लंच में भी घर जा रहे हैं तो उनके घर में ही खाना नहीं है, तो उनको पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा। तो जिन जो पुअर बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे पहले, जिन्हें खाने की दिक्कत रहती थी, अब कम से कम ये तो होगा कि पूरे दिन में एक जो मील है उनको पेट भर के मिल रही है। तो पहले क्योंकि वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे अपने खाली पेट की वजह से, क्योंकि उनके स्टमक्स जो है उनके पेट जो है वो बिल्कुल खाली रहते थे, भूख लगती थी उनको, और उस कारण से वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्योंकि ये जो मिड डे मील स्कीम है, अब इन्हें पेट भर के खाना मिल रहा है, उस वजह से वो पढ़ाई में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई पढ़ पाएंगे। अभी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहे हैं, बट फिर भी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि करने की जरूरत है। मतलब ठीक है हमारे यहाँ लॉज हैं, प्रोग्राम्स हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। ये बहुत कुछ है गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हमें भी पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलने की जरूरत है, ताकि इस इनइक्वालिटी को हम अपने देश से हटा सकें। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in the school, there continues to be big differences in our country between schools. मतलब कि वैसे midday meal scheme की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे जो poor बच्चे थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि वो अपने school में admission करा ले, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो school आने लग गए, enroll करवा लिया उन लोगों ने midday meal scheme की वजह से। But फिर भी एक बहुत ही बड़ा difference हमारे country में बना हुआ है schools के बीच में। स्कूल्स के बीच में जो स्कूल रिच बच्चे अटेंड करते हैं, जो स्कूल अमीर बच्चे अटेंड करते हैं, और जो स्कूल गरीब बच्चे अटेंड करते हैं, तो इन स्कूल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब यूं कहें कि जो रिच बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे हैं, वो कौन से, ज्यादातर वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उनका लेवल ही अलग होता है पढ़ाने का, पढ़ने का, तो उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी और ज्यादा हो जाती है। बट वहीं जो पुअर बच्चे हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स वो करते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है जितनी कि प्राइवेट स्कूल्स में होती है। तो उस तरीके से जो लेवल है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्कूल व्हिच पुअर अटेंड्स एंड व्हिच रिच अटेंड्स। तो जो अमीर और गरीब बच्चों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और इससे उनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी दलित बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कि अगर कोई दलित बच्चा है तो उसको गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके के से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किया गया था। तो आज भी ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी चल रही है कास्ट के बेसिस पर, इन बच्चों को अनइक्वल सिचुएशंस में फोर्स किया जाता है, जिस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई इतने दिन के लिए, इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे स्कूल्स में जहाँ पे दलित बच्चों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरीके के काम देखने मिलते हैं, कि उनको पीटा जा रहा है बिना मतलब के, उनसे काम करवाया जा रहा है, उन्हें नीचे बिठाया जा रहा है कि बाकी जो बच्चे हैं वो सीट्स पे बैठेंगे, अच्छे से चेयर्स पे बैठेंगे, टेबल्स पे बैठेंगे, और जो
दलित बच्चे हैं उनको वो लोग नीचे बिठाते हैं, सारा काम उनसे करवाते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें आज भी देखने मिलता है बहुत सारे स्कूल्स में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे यहाँ पे लॉज भी हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो लोगों का राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो उनका समान रूप से ट्रीट होने का अधिकार है, वो बहुत सारे लॉज जो हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी हैं जो कोशिश करती हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, या फिर जिन्हें इल मैनर ट्रीट किया जाता है, गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको और अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो हमारे यहाँ पे लॉज भी हैं, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स भी हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ अभी भी हम ये क्यों कह रहे हैं कि लोगों में इनइक्वालिटी है? लोगों को बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दलित को या फिर कास्ट के बेसिस पर या और भी तरीके से गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता जो है वो वैसी बनी पड़ी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचने से इनकार कर देते हैं, ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हम सभी लोग जो हैं इक्वल हैं। मतलब कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ऊंचा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, और किसी दूसरे को अपने से कम मानते हैं। तो ये लोगों की सोच के कारण हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो है कि आज भी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है वो ये है कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही धीरे चेंज हो रहा है। लोगों का ये जो बिहेवियर है कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, कि आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़के को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़की को नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रही है, और जिसकी जरूरत क्या है कि वो बहुत तेजी से चेंज हो, जल्दी से लोग ये समझ जाएं कि हम सब जो हैं वो एक समान हैं। अब भले ही लोग जो हैं उन्हें बड़े ही अच्छे से पता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जब हम भेदभाव करते हैं, तो वो लॉ के खिलाफ है, कानूनी तौर से वो गलत है, बट फिर भी वो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर और इकोनॉमिक स्टेटस, इन सभी बेसिस पर वो लोगों को गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, इनइक्वली ट्रीट करते हैं। मतलब कि लोगों को अच्छे से पता है कि हम अगर किसी को इन अनइक्वली ट्रीट करेंगे तो भाई हमें सजा भी हो सकती है, ये गलत है, बट फिर भी लोग अलग अलग बेसिस पर लोगों को ट्रीट करते हैं। डिसेबिलिटी के बेसिस पर भी, अगर कोई किसी को कोई डिसेबिलिटी है, अगर किसी कोई चलने में थोड़ी दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो उसको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर मानते हैं। तो अब हम इनइक्वालिटी जो है वो कैसे इंश्योर करें? तो वो ऐसे ही हो सकती है कि जब हम लोगों की सोच को चेंज करेंगे। सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा, सभी लोगों को ये बिलीव करना पड़ेगा कि कोई भी किसी से कम नहीं है, नो वन इज इंफीरियर, कि हम में से कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, हम सब एक समान हैं, और हम सभी का अधिकार है कि हमें अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, हमें अच्छे तरीके से हमारी डिग्निटी को जो है उसे ठेस ना पहुंचाई जाए, हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी भी सभी लोग इज्जत करें, सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग ये चीज मानना स्टार्ट करें, लोग अपने एटीट्यूड को चेंज करें। तो ये जो इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने का सिस्टम है, मतलब कि अगर हम ये जो चाहते हैं कि हम इक्वालिटी को अपनी कंट्री में स्टैब्लिश करें, तो ये एक बहुत ही मुश्किल वाला काम है, इट इज अ स्ट्रगल, और इस तरीके का काम है कि जिसमें इनइक्वालिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये जो हमारी लड़ाई है इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने की, ये और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच अभी तक चेंज नहीं हुई है। सो देयर इज अ नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल।